अस्सलामुअलैकुम। सर्दियां तकरीबन आ चुकी हैं। सर्दियां आते ही रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। और जब सर्दियां आती हैं तो चोर, डाकू, लुटेरे मुतहर्रिक हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। लोग घरों तक महदूद हो जाते हैं या कहीं काम पर होते हैं। बाहर गली में, रोड पर बहुत कम लोग चलते फिरते नजर आएंगे। ऐसे में चोर, डाकू, लुटेरे इस चीज का फायदा उठाते हुए लोगों को लूट लेते हैं और रात होते ही लोगों के घरों पर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं। उनको पता चल जाता है कि घर पर इस टाइम मर्द नहीं है या सब गहरी नींद सोए हुए हैं। कहाँ से दाखिल होना है, कैसे दाखिल होना है, उनके पास काफी हद तक मालूमात पहुंच चुकी होती हैं। वो कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद किसी घर में डाका डालते हैं। 10 बेहतरीन एहतियाती तदाबीरें हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। आप उनको जहन नशीन कर लीजिए ताकि आप नागहानी आफात से बच सके। अल्लाह ताला हर किसी को नागहानी आफात से बचाए रखे। पहली बात, आप आज ही अपने दोस्तों का, फैमिली मेंबर्स का एक ग्रुप बना लें। खुदा ना खास्ता कभी रात को आपके साथ कोई मसला पेश आए तो आप जल्दी से एक मैसेज ज़रूर कर सकें कि हम एमरजेंसी में हैं, ताकि वो आपकी मदद कर सकें। क्योंकि उस वक्त आप कॉल नहीं कर सकेंगे, आप किसी और से रابطہ नहीं कर सकेंगे। आपका एक मैसेज आपके ग्रुप में चला जाएगा। आपके अगर जानने वाले जाग रहे होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो आपकी हेल्प कर सकेंगे। नंबर दो, घर पर जब भी बेल हो, आप बच्चों को बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए ना भेजें। कोशिश करें खुद जाएं। अगर आप खुद नहीं जाते, मजबूरी है, बच्चे को भेजना पड़ता है, घर पर कोई मर्द नहीं है, तो बच्चों को कहा जाए कि बेटा पहले पूछना है कि कौन है, आकर बताना है कि फलां शख्स आया है या रिश्तेदार आया है, फिर आपको इजाज़त दी जाएगी तो आपने दरवाज़ा खोलना है, अदरवाइज आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। नंबर थ्री, घर पर कीमती सामान, जेवर, पैसे वगैरह बहुत कम रखें। कोशिश करें आप बैंक में रख दें। घर पर कम से कम जेवरात, कम से कम पैसे रखें। इतने पैसे रखें जो आपकी मजबूरी में आपके काम आ सकें, आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकें। ज़्यादा वाफर मिकदार में पैसे घर पर ना रखें। नंबर फोर, हर कमरे में एक प्रिंट करके नंबर लगा दें, 15, एमरजेंसी नंबर, ताकि आपके बच्चे जो अलग अलग रूम में भी हैं उनको लगे कि साथ वाले रूम में कोई मसला है, शोर शराबा है, या लगता है उन्हें कि कोई चोर डाकू हैं, ताकि आपके बच्चे 15 पर कॉल कर दें। या कोई भी ऐसा मसला है, आपके बच्चों को याद हो कि हमने 15 पर कॉल करनी है, उनको ट्रेंड कर दें कि बेटा कोई मसला हो तो आपने इस नंबर पर कॉल कर देनी है। नंबर फाइव, आप घर से जब निकलते हैं तो अपनी रूटीन सेम ना रखें। अगर आप शाम को मगरिब के बाद निकलते हैं, आपने वही रूटीन रखी हुई है, आप मगरिब के बाद ही निकलते हैं, तो ऐसा ना करें। आप कभी देर से बाहर निकलें, कभी जल्दी बाहर चले जाएं। आप एक ही रूटीन ना रखें, क्योंकि जो चोर डाकू होते हैं पहले ऑब्जर्व करते हैं कि इस घर के मर्द की क्या रूटीन है, कितने बजे बाहर निकलता है, कब दाखिल होता है। आप अपनी रूटीन सेम ना रखें। अगर सेम रखेंगे आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नंबर सिक्स, जब आप घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकले या घर में दाखिल हों, तो घर के बाहर जो लोग होते हैं उन पर एक दफ़ा नज़र ज़रूर डालें कि आपके घर के बाहर कौन कौन खड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके मोहल्ले में, आपके घर के इर्द गिर्द कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन शख्स आता है, क्या करता है, क्या कर रहा है। आपको इस चीज़ का इल्म लाजमी होना चाहिए। कल को खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई मसला पेश आता है तो आपके माइंड में ज़रूर होगा कि फलां शख्स भी मशकूक था, उसको मैंने कई बार यहां देखा जो कि अब मुझे नजर नहीं आता। नंबर सेवन, जब आप रात को घर से बाहर हों तो अपने घर कॉल करके जरूर पता करें कि क्या आपने मेन डोर को लॉक किया है, आप सब खैरियत से हैं, सब बच्चे घर पर आ चुके हैं, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं। रात को आप वक्फे से 2-3 बार घर पर लाजमी कॉल करें। नंबर एट, घर के मुलाजमीन के सामने माली मामला से इज्तनाब करें। उनके सामने पैसे का लेन देन या ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें जो कि वो सुने, अगर किसी को पहुंचाएं तो आपको उससे
नुकसान ना हो। नंबर 9 निहायत अहम, अगर आप फैमिली के साथ बाहर जाने लगे हैं या कहीं शादी पर जाने लगे हैं, आप आउटिंग पर जाने लगे हैं रात को, आप व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर पोस्ट ना लगाएं। ये ना हो कि आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं कि हम फैमिली के साथ इस जगह जा रहे हैं और आपका कोई अपना शख्स आपकी मालूमात किसी तक पहुंचा दे, आपका कोई दोस्त आपकी मालूमात किसी तक पहुंचा दे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो मामलात होते हैं नुकसान पहुंचाया जाता है चोरी डकैती में, आपका कोई अपना भी शामिल होता है जो मुखबरी करता है जिससे आपको नुकसान पहुंचता है। तो आप ऐसे स्टेटस ना लगाएं जिससे किसी को पता चले कि आप घर पर नहीं हैं। नंबर 10, आप रात को बाइक पर बाहर निकलते हैं तो सज धज कर अच्छी ड्रेसिंग करके ना निकलें। आप थोड़े से सुनसान रोड पर होंगे, लोग ऐसे मौकों की तलाश में होते हैं, वो किसी ऐसे शख्स को देखें जो कोई बड़ा शख्स है जिसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी है, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा और वो नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है, मैं शादी पर गया था, वापसी पर मेरे साथ हादसा पेश आया इसी वजह से कि मेरी ड्रेसिंग थोड़ी अच्छी थी। तो लिहाजा जब आप घर से बाहर निकले तो ड्रेसिंग इतनी अच्छी करके ना जाएं कि आपको देखने वाला कोई चोर डाकू ये समझे कि आप वाकई ही कोई अमीर तरीन शख्स हैं। उम्मीद है आपको ये एहतियाती तदाबीरें अच्छी लगी होंगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।